पौड़ी में सशक्त भू कानून सहित नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल के नेतृत्व में युवा सड़कों पर उतर आए। इस दौरान सशक्त भू कानून को लागू करने की मांग युवाओं ने प्रदेश सरकार से की। वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य पार्टियों के युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रैली में शामिल रहे। यह रैली कंडोलिया मैदान से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई। युवाओं ने प्रदेश सरकार से प्रदेश में सशक्त भू कानून, पौड़ी का गड्ढा मुक्त बनाना, कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था, युवाओं के लिए कंडोलिया मैदान और रांची स्टेडियम को निःशुल्क खोलने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर उचित कार्रवाई की बात कही गई। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। जो भी मांगे हैं, हमारी मांगे युवा साथियों को लेकर हैं। और जिस प्रकार पौड़ी में देखा जा रहा है कि युवाओं को ना मौका मिल रहा है और ना ही नौकरियां यहाँ युवाओं के लिए बची है, तो किस प्रकार जो पौड़ी का युवा है वो पौड़ी में रुकेगा। ये अगर हमें मुख्य कारण, हम इसका पलायन कहते हैं, अगर हमें पलायन रोकना है तो कम से कम हमें कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो जिससे युवा पौड़ी में रुके। हमारी ये मांगे, हम एक दलगत राजनीति से हटके एक छात्र नीतियों को लेकर हम आगे बढ़े, जिसका हम एक आंदोलन के माध्यम से जिसको हम संकेत देना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हम एक संकेत देना चाहते हैं कि यदि युवाओं के साथ उपेक्षा होगी, युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा, तो युवा उग्र आंदोलन करने में बाध्य होगा। हमारी मुख्य मांगे रहेगी कि तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए, और जो विगत वर्षों से पौड़ी की उपेक्षाएं कई समस्या को लेके हो रही है, उसमें जो मुख्य हमारी समस्या है उसमें एक तो पौड़ी में कूड़े का निस्तारण होना चाहिए। आप देखते होंगे पौड़ी शहर में जो हमारा सड़कों का जाल है, चाहे NH की रोड हो, चाहे प्रांतीय खंड की रोड हो, हर 100 मीटर पे रोडों पे गड्ढे हैं, जिसका काफी समय से कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इसे जो हमारी मांग है वो है पलायन को लेकर। आप देखते होंगे कि पलायन का जो मुख्य विभाग है पौड़ी में, पर शायद हमें नहीं लगता कि पौड़ी में पलायन के अधिकारी बैठते होंगे, और ना उन्होंने कोई रोड मैप अभी तक तैयार किया हुआ है पलायन को रोकने के लिए, जिसके कारण बारी पास होने के बाद आज के ना पौड़ी का युवा जो है वो प्लेन्स की ओर पलायन कर रहा है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं, ये आज जिलाधिकारी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी जाएंगी। अगर एक सप्ताह के भीतर इन मांगों पर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है तो युवा और छात्र संघ आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ये निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि हमारे युवाओं भी अब जाग चुके हैं, अपने हक और अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके हैं और आज सड़कों पर उतरे हैं, चाहे भू कानून की मांग हो, चाहे नगर की समस्याओं को लेकर है। आज यहाँ पर हमारे जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं और अन्य हमारे जो युवा शक्ति है, आज कंडोलिया से और कलेक्ट्रेट तक उन्होंने रैली निकाली है, और निश्चित तौर पर अब बदलाव आने वाला है। और ये जो भाजपा सरकार की नीतियाँ हैं इनके खिलाफ अब युवा समझ चुका है कि अब लड़ाई हमें ऐसे नहीं मिलेगी और लड़के हमें लेनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर युवा शक्ति पौड़ी में दिखाई दी है और अब बदलाव की ओर ये पौड़ी जा रहा है।